दोस्ती अच्छी चीज होती है लड़के और लड़की में दोस्ती होना अच्छी चीज होती है लेकिन उस दोस्ती को दोस्ती तक सीमित रखना ज्यादा अच्छी बात होती ये फिर वही बात आती है जो फिल्म में आपने रोमांटिक फिल्म देखी और उस फिल्म को देख करके अब आप भी रियल लाइफ से रियल लाइफ में जो कॉपी करने की कोशिश करेंगे What would be the result? Certainly, you can have a, a, a good time when you go for a uh, outing. You go for a dating. Everything costs you money. And I don't think so. Any boy or girl have a right to go for a dating if they are not earning their own money. Why are you spending and wasting your father's money? Be a man enough, earn your money. रिस्पॉन्सिबल पर्सन बाप के पैसे पर लड़की को घुमा रहा है बाप के पैसे पर मोटरसाइकिल मिली है सब कुछ तो बाप का है तुम्हारा क्या है इस समय तुम्हारा कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस रखना चाहिए लेकिन मैं ये नहीं मना कर रही हूं कि आपकी दोस्ती ना हो जरूर रखिए दोस्ती लेकिन दोस्ती का मतलब फिर दोस्ती होना चाहिए You should be aware enough about the limits and you should know that you should not be crossing those limits. See, when you are young, and you are young, all of you are young, when the body is young, there is so much of hormonal secretions happening in your body which gives attraction for the opposite sex. It is going to be there. A boy is always going to look towards girls, and the girls are always going to look towards boys. That is how the nature works. But the boy and the girl have to see to this, that for how far they ha they can take their relationship. At this age, you have four friends, fine. You have six friends, fine. But let it be just a friendship. Why do you have to take it everything to the physical level? When the right time comes with the right person with the right partner, you can definitely go ahead and take your relationship to next level. But why to be in such a, a rush? Huh? आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस रिश्ते में कब जाना चाहिए और कब तक रुकना चाहिए। और अगर आप इतनी समझ नहीं रख रहे हैं तो निश्चय ही आप अपनी जिंदगी को बहुत कंफ्यूजन में भरने वाले हो मैंने पढ़ाई का टाइम है और आप अपने फोन में एसएमएस खेल रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पढ़ाई खाक होगी फिर फिर नंबर कमाएंगे फिर घर वाले चिल्लाएंगे तो सब कुछ मैसी क्यों कर रहे हैं आप वी नीड टू कंपार्टमेंटलाइज योर लाइफ दिस इज टाइम टू डू वट See, today it was your time to write down the essays and you didn't. You did not. So, did I lose something? I don't think so. It was your careless behavior and you have, in a way, downgraded yourself in your own eyes. For me, you're just children. Your children are going to behave like what. चिल्ड्रन सपोज टू डू मे बीर लेकिन अपनी जिंदगी के प्रति हमको कुछ को अच्छे से समझ लेना चाहिए मैं ये पूछूंगी कि आप अगला कैरियर कौन सा चुनने वाले हैं पर अगर किसी बिजनेसमैन बाप का बेटा है तो फिर वही बात ना नलायक बेटा बाप की कमाई पे ऐश करने वाला ऐसे बंदे का तो I have no respect for a boy who is dependent on his father's earnings. I have no respect for them. And I think so, you should respect yourself. And you can earn this respect in your own eyes by working hard and making a place for yourself. girls are good boys are good you can have good friendship no problem at all at least from my side मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें पर if you go too much into it तो लड़के होते हैं बेवकूफ और लड़कियाँ होतीं चलियाँ अभी, अभी, अभी ये अभी वो अभी ये अभी वो keep on changing hmm? बहुत इमोशनल होती है ज्यादा इमोशनल ज्यादा सेंसिटिव ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाने से क्या होगा ये होगा कि बस दिमाग एक ही जगह में लगा है ना पढ़ाई ना लिखाई ना लेना ना देना और फिर इस उम्र में आपके जो रिश्ते बनते भी हैं वो रिश्ते कितने दिन चलने वाले होते एक दफे जब आप 22, एटलीस्ट 20 और 22 इयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके हो वो उसके बाद जो तुम्हारी कोई दोस्ती होगी या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप बनेगा तो उसके पीछे कुछ थोड़ी सी अकल होगी अभी सिर्फ हॉर्मोन्स हैं अभी क्या है सिर्फ हॉर्मोन्स लड़कों के शरीर में टेस्टेस्ट्रॉन की मात्रा अधिक होने लग जाती है लड़कियों के शरीर में स्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा अधिक होने लग जाती है और इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन से बॉडी में इतनी सारी चेंजेस आती हैं, सेक्स के लिए आती है दोस्ती भी करने की इच्छा होगी और दोनों पक्ष की ये कोशिश भी होगी कि एक दूसरे का अटेंशन मिले और हमारे ऊपर ध्यान जाए और हमें कोई चिट्ठी दे और हमें कोई कॉम्प्लीमेंट जब दे तो चिल तो भी चिल्लाएगी और जब नहीं दो तो भी चिल्लाएगी और कोई जबरदस्ती दे जिससे उम्मीद नहीं हो तो भी चिल्लाएगी और जिससे उसको उम्मीद हो और वो लड़की आपको कम्प्लीमेंट नहीं दे तो भी चिल्लाओगे तो चिल्लाना तो सब तरफ से होगा हो ही होगा आपके हार्मोन्स आपका दिमाग खराब करते ही करते हैं इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता इसके लिए एक ही चीज की जा सकती है और वो ये है कि कोई सेंसिबल इंसान आपको ये याद कराता रहे कि ये उम्र आपकी आ, फिजिकल प्लेजर्स एक्सप्लोर करने की नहीं है

होता यह है कि मैं तो कई बार बड़ी हैरान होती हूं क्योंकि देखो मन तो एक सा ही है ना सबका और हार्मोन्स भी सबके एक से ही सीक्रेट होते जब हारमोन जोश मारते हैं तो क्या उनकी की चढ़ जाती है और ऐसी चढ़ती है घर छोड़ के भाग जाएंगे और पता नहीं क्या और हम मर जाएंगे हम साथ रहेंगे और ये और वो और फिर थोड़ी देर में वो जैसे कोई कोका कोला की बाटल आप खोल दो और एक घंटे पड़ी रह गई तो उसकी सारी गैस निकल गई तो फिज गॉन तो इस आयु में जो आपकी दोस्तियां होती है वो बस दोस्तियां वो कोक की बॉटल की तरह ही है वही इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता सो बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ समथिंग गुड गेटिंग गोइंग आउट सिटिंग टूगेदर चैटिंग डिस्कसिंग नो इशू इन दैट बट Your hormones, if you have not trained your body with yogic asanas, then it becomes difficult to deal with these hormonal changes coming in the body. And it can be very difficult, more for boys and little 5% lesser for the girls. Little 5%, I'm saying, there's not much difference as such.